फाइनली आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने ये समय निकाला है ये वीडियो एडिट करने में और आप लोग के साथ शेयर करने में। बेबी होने के बाद लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि आप चाह कर भी खुद के पसंद का कोई काम नहीं कर सकते हो। फिलहाल तो मैं सिया का बड़ी होने का वेट कर रही हूँ। जैसे वो बड़ी होगी वैसे ही मुझे शायद थोड़ा मौका मिले अपने लिए काम करने का। तो फिलहाल तो यहाँ पे हो रहा है सिया का 1 मंथ का बर्थडे का सेलिब्रेशन। 1 मंथ की सिया मेरी हो गई है और ये चीज़ मेरे लिए सच में कैसे ये पल निकला मुझे खुद पता नहीं चला। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली लगी हुई है सिया का 1 मंथ का बर्थडे खास बनाने के लिए। यहाँ जेठ जी, मैंने तो सिर्फ सोचा था फूल का ही 1 लिखकर उस टाइप से सेलिब्रेट करूँगी, बट जेठ जी जब आए घर पे तो उन्होंने देखा तो कहा कि नहीं ये बर्थडे भी लिखते हैं कुछ और करते हैं, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ मेरी सिया रेडी हो गई, फाइनली मैं लेकर आ रही हूँ इसे। मैंने और सिया ने दोनों ने पिंक पहना था, ये सिया का नानी घर का ड्रेस था तो मैंने सोचा चलो आज इसे यूज कर लिया जाए। तो मेरी सिया कैसी लग रही है गाइस प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, और ये डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग को? चुप करा दे पहले। रो नहीं, रोएगी तो खराब हो जाएगा सब फोटो। एंजॉय करो, नीचे कुछ लगा दिखा। सिया सिर्फ कहने को मेरी बेटी है, बट इसे ना तीनों माओं का प्यार मिलता है। तीनों माओं की लाडली है ये, तीनों माओं की क्या, ये घर की लाडली है, सबका जान बसता है इसमें। कुछ इस तरह से हमने अपनी सिया का फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सिया काफ़ी थक गई थी तो हमने उसे उसके फेवरेट प्लेस पे जाके सुला दिया।
सिया का ये फेवरेट प्लेस है, काफ़ी रिलैक्स होकर ये इस पर झूलती है।